तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर जो अभी मैं बैठा हुआ ना, तो मतलब कि यहीं पर मैं जब वीडियो शूट हो जाता ना, उसके बाद जो इसकी एडिटिंग वगैरह होती है, अपलोडिंग वगैरह होती है ना, सारा कुछ मैं यहीं से अपना करता हूँ। तो मतलब कि बहुत सारे कई दिनों से कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि मतलब जो अपना नया सेटअप रूम है ना, जहाँ पर अभी आप वीडियो शूट करते हो, तो उसका मतलब वीडियो बनाओ कि किस तरीके से आप वीडियो शूट करते हो, अपना पूरा रूम दिखाओ, अपना पूरा सेटअप रूम दिखाओ। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ, थोड़ा सा उधर दूर शूट करता हूँ। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अपना वीडियो शूट करता हूँ, कौन सा रूम है, कौन सा कमरा है, कौन कौन सी चीजें यूज करता हूँ, सारा कुछ आज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ, और बीच में भी वो भी दिखाऊंगा जहाँ पर मैं पहले वीडियो शूट करता था। आपको पता ना कि एक दीवार थी, वहाँ पर मैं ग्रीन पर्दा लगा करके शूट करा करता था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और अभी जो नया सेटअप रूम है ना, उसका भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, देखो, और आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर, मतलब देख सकते हो जहाँ पर वो चार पहिए वगैरह रखी है ना, तो यहीं पर पहले वीडियो शूट करा करता था। देख सकते हो यहाँ पर ये भैंस का खूंटा, जहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर भैंस बनती है, तो यहीं पर भैंस बनती थी। तो मतलब ये चेंज हो चुका है, और यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पर पर्दा लगाता था, ये सब हटा करके, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पर्दा लगा करके, और यहीं पर अपना पूरा का पूरा वीडियो शूट करा करता, जो कि अभी तक आपने मेरे सेटअप रूम, पुराने वाले सेटअप रूम में देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं कहाँ पर शूट करता हूँ, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चलो आप देखो, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मतलब अब कहाँ पर अपना वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये तो पूरा मतलब पूरी बकरी हो गई ना, बकरी टाइप का। और यहाँ पर देख सकते हो एक ऊपर मतलब अटारी टाइप है ना, तो यहीं पर इससे मतलब ऊपर मुझे जाना पड़ता है। चलो मैं आपको चल करके दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर आता हूँ मैं। उसके बाद देख सकते हो मतलब दरवाज़ा भी छोटा दरवाज़ा है, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा ये रूम आ चुका है जहाँ पर मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये चीज़ जो यहाँ पर रखी हुई ना, थर्माकोल, तो इस पर पहले मैं, जैसे कि अगर आप काफ़ी पहले से देख रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा पहले मैं इसी पर वीडियो शूट करा करता था, मतलब बीच में कुछ दिन तक मैंने इस पर भी शूट करा था, खुद से मैंने इस पर फोटो वगैरह लगा करके बनाई हुई थी, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पर ये रहा मेरा मतलब पूरा का पूरा सेटअप टूर, मतलब जहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से आ करके, और सबसे पहले ये देखो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पूरा का पूरा रूम जहाँ पर मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मैं इस तरीके से सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक ईंट रखा है, तो कुछ इस तरीके से ईंट पर बैठ जाता हूँ। और यहाँ पर जो आप ये पूरा देख रहे हो ना, ये एकदम रियल है, मतलब आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे चीज़ कहा हुआ है कि इसका मतलब मुझे फ़ोटो भेज दो, तो इसका मैं फ़ोटो नहीं भेज सकता, क्योंकि देख सकते हो पूरी रियल है। ये भी एक दीवार है, और ये भी देख सकते हो ये पूरा एक दीवार है, ठीक है। तो और यहाँ पर देख सकते हो ये स्टैंड रखा हुआ है, जो कि मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, और इस पर ये जो आपको बताया था ना कि 6A मोबाइल से वीडियो पूरा मैं शूट करता हूँ, तो ये रहा 6A मोबाइल, इसको मैं सिंपल से यहाँ पर इस तरीके से कुछ लगा लेता हूँ, 6 से मतलब कि नॉट 9 प्रो भी मेरे पास है, लेकिन मैं इसी से शूट करता हूँ। लेकिन इससे शूट करने में पता प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती। तो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक दूसरा, मतलब जो मेरे पास दूसरा मोबाइल है रेडमी नॉट 9 प्रो, उसको मैं यूज़ करता हूँ। देख सकते हो इस पर मैंने माइक लगा रखा है, और यहाँ पर लगा रखा है, और इस पर पूरा का पूरा वीडियो शूट होता है, इस पर पूरी आवाज़ शूट होती है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एडिटिंग करके दोनों को एक साथ मर्ज करके पूरा कम्प्लीट वीडियो अपना एडिट करता हूँ, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर एक ये ब्लू टाइप का पर्दा रखा हुआ, जो कि मैंने पहले इसको भी कुछ दिनों तक यूज करा, इसको भी मैं यूज करता था, और ज़्यादातर जो यूज करा ना, ये वाला यूज करा है ग्रीन कलर का, जिस पर आपने पहले जो वीडियो बनाया करता था, तो यही वाला ग्रीन पर्दा वहाँ पर जो अभी आपको दिखाया था, वहाँ पर इसी पर्दे को लगा करके वीडियो शूट करके क्रोमा की अप्लाई करा करता था, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर एक ईयरफोन रखा है, और ये हो गया ब्लूटूथ स्पीकर रखा, जो कि बस नॉर्मली मतलब थोड़ा सा शो के लिए रखा हुआ, बाकी इसका कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ,
देख सकते हो यहाँ पर एक मिनी कूलर ले रखा है, जिसको मैं यहाँ पर मतलब चार्जर से चलता है, इसको यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना तो बीच में इतना ज़्यादा मतलब पसीना आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो इसको जब मैं वीडियो ऑफ रहता बंद रहता है तब मैं इसको थोड़ी देर चला लेता हूँ, उसके बाद इस पर बोलने के बाद जैसे फिर से गर्मी लगती है फिर से बीच बीच में इसको थोड़ा थोड़ा चला लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब वीडियो शूट होता है उस टाइम मुझे बंद करना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा खरखर की आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दो एक्चुअली में राड लगे हुए हैं, एक नीचे राड लगा रखा है एक ऊपर राड लगा रखा है, क्योंकि मुझसे कई सारे लोगों ने कहा कि मैं भी वीडियो शूट करता हूँ लेकिन उतना क्वालिटी नहीं आता, आपका मोबाइल में क्वालिटी कैसे आ जाता है। तो इसका रीज़न देखो यही है सिंपल सा कि यहाँ पर मैंने दो राड लगा रखे हैं, और राड लगाने का मतलब कि मेन वजह मेरी यही है कि अगर मैं यहाँ पर राड लगा लेता हूँ ना तो मतलब इसमें देखो यहाँ पर लेफ्ट से भी कुछ उजाला आता है और कुछ राइट से भी उजाला आता है, जिसकी वजह से मतलब कि पीछे शैडो नहीं आती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं देखो आपको दिखाता हूँ, एक तो देख सकते हो ये नॉर्मल सा बल्ब लगा है, रेड कलर का बल्ब है ताकि मतलब ऊपर से जलता रहता ना तो थोड़ा सा बालों में थोड़ा सा रेड रेड टाइप का क्वालिटी आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सिंपल से यही राड का इसका बॉक्स है, जो कि बस नॉर्मली ऐसे लगा रखा था कि थोड़ा सा देखने वगैरह में सही लगे। और ये जो देख सकते हो ना, ये मैंने खुद से थर्माकोल का बनाया हुआ था, मतलब इसमें थर्माकोल का कट करके और इसको फेविक्विक से चिपका करके और इसमें थोड़ा सा मैं इसमें कलर वगैरह कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो देख सकते हो ना, ये थोड़ा सा डिजाइन टाइप का, ये मतलब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये भी मैंने खुद से मतलब थर्माकोल का फेविकोल से चिपका करके इसको भी बनाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो सारा कुछ मतलब यहाँ पर एक बोर्ड रखा है, बोर्ड में यहाँ पर ये जो दोनों रॉड है दोनों रॉड को यहाँ पर सिंपल से कनेक्ट कर रखा है, और ये जो चार्जर लगा है तो चार्जर सिंपल से वहीं कूलर के पास जाता है, जो कि अभी तो चल रहा है। और इसमें मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह है जहाँ से यहीं से मतलब पूरे घर में लाइट भी गया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे, अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये कुछ बोरी वगैरह रखी है जिसमें कुछ सरसों वगैरह रखा है, और नीचे देख सकते हो यहाँ पर प्याज पड़ी हुई है, क्योंकि नॉर्मल ज़्यादा मतलब हमारे पास जगह नहीं है तो जहाँ पर जो मन चला वहीं पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो प्याज रखी है, और ये रखी है यहाँ पर, और ये रखी है यहाँ पर टंकी जिसमें शायद गेहूं वगैरह रखा है, और इसमें भी कुछ होगी, इसमें लहसुन रखी है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी टाइप का है। ऊपर देख सकते हो छप्पर लगा है, तो इस छप्पर में पता होता क्या मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर इस छप्पर में ऊपर से जब भी थोड़ी सी हवा चलती है ना तो इतना ज़्यादा ऊपर से मतलब कचरा गिरता है कि मुझे यहाँ पर डे झाड़ू लगाना पड़ता है, पर डे यहाँ पर सफाई करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूल भी जमा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपने देखा कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दीवार मैंने बनाई हुई ना, ये भी मैंने खुद से जुगाड़ करके बनाया, मतलब ये जो ईंटें लगे हैं इसमें और ईंटों को जो मसाला से लगाया जाता ना वो भी यहाँ पर मतलब मैंने मिट्टी से बनाया हुआ है। मिट्टी के बनाने के बाद इसमें जो छपाई है वो तो नॉर्मल छपाई करा है, और छपाई करने के लिए भी ना यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने खुद से हाथों से छपाई करी है, क्योंकि आपको पता है कि कन्नी वगैरह होता है ना जिससे छपाई करा जाता है, वो भी यहाँ पर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं खुद हाथों से छपाई करके लकड़ी का एक टुकड़ा था जिससे इसको बराबर करके और सिंपल सा दो कलर ले लिया था, एक तो ये ग्रे कलर और एक उधर जो कलर रखा, ठीक है। तो ये दोनों कलर मैंने कर दिया था जिससे कि मतलब कि इतना कुछ दो दीवार बना ली थी ताकि मतलब मोबाइल में जितना मोबाइल में आ सकता है बैकग्राउंड उतना मुझे यहाँ पर जरूरी दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि बस इतना ही मेरा बैकग्राउंड है, देख सकते हो मतलब पूरा का पूरा कच्चा घर है, जितने भी आपको दिखाया पूरे कच्चे घर हैं, बस मतलब मैंने दो दीवार पक्की बना ली थी, मतलब ईंट की बना ली थी ताकि वीडियो में मतलब मैं वीडियो शूट कर सकूँ तो पीछे मतलब कुछ अच्छा देखने में लगे, वरना फिर कहीं पर भी अगर बैठ के बना लूँ तो इतना मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने खुद से दीवार बना ली, और यहाँ पर दो राड भी लगा लिया ताकि मतलब सामने से फोकस भी काफ़ी अच्छा आता है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। और ये 6 मोबाइल है जिससे मैं पूरा वीडियो शूट करता हूँ, और पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ तो इसी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से यही काम कर रहा हूँ, इस पर वीडियो शूट होता है, इस पर जो नोट 9 मैंने ले रखा है इस पर आवाज़ रिकॉर्ड होती है, उसके बाद दोनों को काइन मास्टर से एडिट करके दोनों को एक साथ मर्ज करके पूरा वीडियो कम्प्लीट एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। सो आई होप कि आपके पूरा सेटअप रूम मेरा जरूर पसंद आएगा। तो आपके सेटअप रूम कैसा लगा, मतलब मैंने सही करा या दीवार बना करके सही करा, आपने भी कुछ इस तरीके से बनाया या फिर आप किस तरीके से अपना वीडियो शूट करते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और आपका घर कैसा है, मतलब क्या कुछ है, सारा कुछ कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके मेरा सेटअप रूम वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना, अगर मेरा वीडियो बनाने का तरीका जो भी सिस्टम है अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहता हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पहुंच सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आपका तुरंत रिप्लाई देता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अब देखो यहाँ पर वीडियो पूरा खत्म हो चुका है, तो मैं सिंपल से यहाँ पर
इसमें जो लाइट वगैरह है ना, तो यहाँ पर मैं लाइट वगैरह यहाँ पर देखो ऑफ कर देता हूँ। और कई बार होता क्या है कि वीडियो शूट करते करते लाइट चली जाती है ना, तो इस वजह से मैंने सोच रखा कि जब भी मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी ना, तो सबसे पहले मैं एक बैटरी और एक इन्वर्टर लूँगा, जिससे कि मेरी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि सामने से भी उतना ज़्यादा उजाला नहीं आ पाता ताकि मतलब कि नॉर्मल उजाले से वीडियो शूट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी फर्स्ट पेमेंट आ जाएगी ना, तो कोशिश करूँगा कि मतलब इन्वर्टर ले सकूँ, ताकि लाइव स्ट्रीम करने में या फिर वीडियो शूट करने में बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।